हेलो दोस्तों, वैसे तो यार हम सभी अपनी लाइफ में खुश हैं या दुख हैं वो हमें ही पता है, बट हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी रहे हैं और हर एक की लाइफ की सिचुएशन अलग अलग है। पर क्या हो यार अगर आपकी लाइफ पहले से ज़्यादा बेहतर बन जाए। इस वीडियो के जरिए कुछ ऐसी लाइफ चेंजिंग टिप्स के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जिनसे हम अपनी लाइफ बदल सकते हैं, क्योंकि लोग ना अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जी पाते हैं और ना ही अपनी लाइफ में कुछ का ढंग का कर पाते हैं। तो अगर अपनी लाइफ को ढंग से जीना है और अच्छा बदलाव लाना है तो इन बेहतरीन लाइफ चेंजिंग टिप्स के बारे में आपको जानना होगा और उन्हें अपनी लाइफ में अपनाना पड़ेगा। तो पहले हम ये समझते हैं लाइफ चेंजिंग टिप्स क्यों जरूरी है। तो गाइस, जीवन में एक सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए, किसी भी तरह के नुकसान से बचने के लिए, खुलकर जिंदगी जीने के लिए और जीवन अपने आप को ज़्यादा सतर्क बनाने के लिए लाइफ चेंजिंग टिप्स बहुत ही जरूरी है। तो हमारी जो पहली टिप्स है वो है सही लक्ष्य चुनो। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने जीवन को एक सही दिशा देनी बहुत जरूरी होती है, इसीलिए आप एक सही लक्ष्य चुनो और उस लक्ष्य को पाने के लिए एक योजना बनाओ और उस योजना के मुताबिक काम करो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ चेंजिंग टिप्स में से एक है, जिससे कि आप अपने जीवन में भटकोगे नहीं और आपका जीवन जीने के लिए एक सही दिशा मिल जाएगी। तो दूसरा पॉइंट है हमारा, अपनी दिनचर्या को सही रखो। देखो दोस्तों, आप अपना हर दिन किस तरह से गुजारते हैं ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी रोज़ की दिनचर्या ही आपका भविष्य निर्धारित करती है। अपनी दिनचर्या को सही बनाने के लिए कुछ लाइफ चेंजिंग टिप्स है, जैसे हर रोज़ जरूरी कामों की सूची बनाओ, हर एक काम के लिए एक समय सीमा निश्चित करो, हेल्दी मॉर्निंग रूटीन जैसे कि एक्सरसाइज, मेडिटेशन या प्राणायाम को अपने दिनचर्या में शामिल करो, हेल्दी डाइट प्लान को फॉलो करो, अच्छी नींद लो, अच्छी किताबें और खाली समय में अपने हॉबीज़ पर काम करो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अपने आप को अपडेट रखो। जी हाँ दोस्तों, खुद को अपडेट रखना भी बेस्ट लाइफ चेंजिंग टिप्स में से एक है, क्योंकि कुछ लोग अपने आप को बदलने की जीवन में मतलब कुछ नया करने की सोचता तक नहीं है और इस वजह से वो अपने जीवन को बदल नहीं पाते हैं और सालों साल वैसा ही जीवन जीते हैं जैसा वो जीते आए हैं। इसीलिए समय समय पर नई नई चीज़ें सीखो, नए स्किल सीखो, किताबों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए अच्छी नॉलेज लो, इससे आप खुद को अपडेट रख पाओगे और अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर बना पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, समय बर्बाद मत करो। अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने ज़रूरी काम के लिए या फिर अपने लक्ष्य को पाने के लिए दो, जिन चीज़ों की वजह से आपका समय बर्बाद होता है, जैसे कि सोशल मीडिया, टीवी, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपको भी पता है जिनसे आपका टाइम वेस्ट होता है, तो ऐसी चीज़ों से आप दूर रहें और ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग टिप्स साबित हो सकती है। हाँ, माना कि लाइफ में यार थोड़ा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, लेकिन उसकी भी कोई समय सीमा होनी चाहिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि इंटरनेट के मतलब एंटरटेनमेंट के नाम पे आप अपने कीमती समय बर्बाद कर दो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मनी मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे जॉब कर रहे हो या बिजनेस, आप जिस भी तरह से पैसा कमा रहे हो उन पैसों को सही से इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए मनी मैनेजमेंट के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। कुछ लाइफ चेंजिंग टिप्स जैसे कि अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्टमेंट करना, अपने खर्चों का हिसाब रखना, फिजूली के खर्चों को कम करना और इमरजेंसी फंड मतलब इमरजेंसी में मतलब सेविंग जरूर रखना, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सोच समझकर निर्णय लो। जी हाँ दोस्तों, याद रखो, कोई सा भी निर्णय जल्दबाजी में यार मत लो, भावनाओं में बहकर या किसी की बातों में आकर मत लो, अपने अनुभव और अपने नॉलेज के आधार पर कोई भी निर्णय सोच समझ कर लो और उस निर्णय से आपका जीवन में क्या बदलाव आ सकता है और आने वाले भविष्य में उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इन सब बातों के बारे में जानकर ही अपना निर्णय लो। और ये भी एक बहुत ही बढ़िया लाइफ चेंजिंग टिप्स आपके लिए हो सकते हैं, बिकॉज यार आपकी अपनी लाइफ है, आपके खुद के डिसीजन ही आपको बदलाव ला सकते हैं, कोई और नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, संगत अच्छी रखो। आप हमेशा ऐसे लोगों की संगत में रहो जो आपका भला चाहते हो, वक्त आने पर आपकी मदद करते हो और आपको सही राह दिखाते हो, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो उनकी अच्छी आदत आप में भी आ जाएगी और अगर आप बुरी संगत में रहो तो आप में भी उनकी बुरी आदत आ जाएगी, इसलिए हमेशा अच्छी संगत में रहो। तो कुछ लोग अब कमेंट करेंगे कि भाई ऐसा नहीं होता है, अच्छी संगत और बुरी संगत कुछ नहीं होती है, बट ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है जो कि आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो अच्छे लोगों के साथ रहो जो कि आपका साथ देते हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेगेटिविटी से दूर रहो। जी हाँ दोस्तों, अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखने के कुछ लाइफ चेंजिंग टिप्स, जैसे कि जिन चीज़ों की वजह से आपको नेगेटिव फील होता है, आप अंदर से डिमोटिवेट हो जाते हो या फिर दुखी हो जाते हो, उन चीज़ों से खुद को दूर रखो। जैसे कि वो कोई लोग हो सकते हैं, आपके खुद के विचार हो सकते हैं या फिर सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल या टीवी सीरियल जैसी चीज़ें भी हो सकती है, जो भी हो आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव और मोटिवेट रखने की कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, खुद का ख्याल रखो यार, ठीक है। हम हमेशा दूसरों के सुख दुख के बारे में सोचते हैं, दूसरों की पसंद नापसंद ख्याल रखते हैं, उनका साथ देते हैं और पर यार इस चक्कर में हम खुद पर ही ध्यान देना भूल जाते हैं, क्योंकि और कोई हो ना हो पर अपना ख्याल रखने वाले हम खुद ही हैं, इसीलिए दूसरों के साथ साथ खुद का भी ख्याल रखो, जैसे कि अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का, अपनी पसंद नापसंद का और अपनी भावनाओं का ख्याल रखो, खुद को खुश रखो, खुद से प्यार करो और बिना किसी दबाव के बिंदास होकर जियो यार। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बुरी आसों से दूर रहो। चाहे आप अपनी लाइफ कितनी भी सफलता हासिल क्यों ना कर लो, फिर मतलब कितना भी पैसा क्यों ना कमा लो, पर अगर आपको किसी भी तरह की बुरी आदत है, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, हद से ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना,
बहुत सारी आदतें होती हैं फिर, और ऐसी कोई आदत है तो आप इन जैसी आदतों को यार आज ही छोड़ दो, क्योंकि इनकी वजह से आपका बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है और आप जीवन में एक तरह से भटक जाते हैं। इसीलिए इन चीज़ों से दूर रहना ही बेहतर है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनो। जो लोग मानसिक और भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं अक्सर वही लोग ज़्यादा दुखी और परेशान होते हैं। इसलिए बेवजह की बातों को मत सोचो, कुछ बातों को नज़रअंदाज करना भी सीखो, किसी से ज़्यादा अटैचमेंट मत रखो, इससे आप खुद को मानसिक रूप से मजबूत कर पाओगे। साथ ही साथ जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उनको कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। भावना मतलब हो जाते हैं ना कई बंदे भावुक, तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा एंड वो प्रैक्टिस से ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, असफलताओं से सीखो यार। अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह की असफलता का सामना हो रहा है, दुख है, परेशानी है, उनसे आपको सीखना होगा, ठीक है। मतलब वक्त गुजर जाता है, ये चीज़ अपने माइंड में जरूर रखना। वक्त अभी दुखी चल रहा है, सुख भी लाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रिश्तों को महत्व दो। हमारे रिश्ते हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, इसलिए चाहे आप अपने जीवन में कितने भी सफलता क्यों ना हासिल कर लें, पर अपने करीबी लोगों को और अपने रिश्तेदारों को कभी ना भूलें, बल्कि सबका सम्मान करें और सब रिश्तों को महत्व दें। सो गाइस, आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, साथ ही साथ कुछ सजेशन हो तो बता देना, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो भी आप बता देना। सो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।